नमस्कार, मैं हूं संदीप कुंडी और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। खबरों के साथ एक बार फिर मैं आपके सामने हूं। कस्बा हसाइन में एसडीएम सिकंदर राव विजय शर्मा ने प्रतिबंधित पॉलीथिन के खिलाफ चलाया विशेष अभियान। प्रतिबंधित पॉलीथिन को जब्त कर वसूला समन शुल्क। इस मौके पर एसडीएम विजय शर्मा, सीओ सुरेंद्र सिंह, ईओ सत्यपाल सिंह, थाना अध्यक्ष मृदुल कुमार सिंह व नगर पंचायत के कर्मचारी रहे उपस्थित। आइए, शासन के निर्देश पे एसडीएम साहब के नेतृत्व में कस्बा हसाइन में प्रतिबंधित पॉलीथीन को लेकर के छापेमारी की कार्रवाई की गई, जिसमें मेन मार्केट में हम लोगों ने छापेमारी की कार्रवाई की। उनमें 3-4 दुकानों पे छापेमारी में पॉलीथीन पकड़ी गई और उनसे तुरंत शासनादेश के अनुसार जुर्माना वसूल किया गया और आगे भी निरंतर ये कार्रवाई चलती रहेगी ताकि ये प्रतिबंधित पॉलीथीन का पूरी तरह से मतलब प्रयोग बंद कर दिया जाए और जो भी शासन के निर्देश हैं कि कपड़े का थैला या और इस तरह के मतलब पॉलीथीन ना रख करके कपड़े का थैला वगैरह उसका प्रयोग किया जाए। तो मित्रों, अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के साथ साथ अपने आसपास की खबरों के लिए आप जुड़े रहें समाचार एक्सप्रेस के साथ। जय हिंद।